शुरुआत मीनाल बुखारी के बुखार लीक होने से हुई। सितंबर में मेरा दिल ये पुकारे आजा, लेकिन कोई भी नहीं गया। बाद में मेरा दिल ये पुकारे आजा, मुजरा वरियन लीक हुआ तो सब चले गए। पहले ओयशा को कोई कुत्ता भी मुंह नहीं लगाता, लेकिन अब हफ्सी लड़की उसको LPB के ख्वाब देख रहे हैं। हमारे यहाँ टैलेंट नहीं, बिगड़ती फेमस होती है, और लोग उस बिगड़तियों को देखकर हेड एंड शोल्डर से अपने हेड को ऐसे रगड़ रहे हैं जैसे उसमें से अभी जिन निकलेगा। अबे कोई अच्छा काम करो, टैलेंट प्रमोट करो। फिर तो अक्टूबर में आई अम्मा बारबी गर्ल, बाकी मंथ क्या वो कार्डी भी थी। नवंबर में जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, पर वो थी सच में काओ। लास्ट मंथ है दिसंबर, उसमें है मोए मोए। लास्ट वाले ट्रेंड को छोड़कर बाकी जितने भी किले फतह किए उनमें सबसे ज्यादा लड़कियां हैं, और वो किले किन के हैं मैं नहीं बताऊंगा। मैन विल बी मैन, अदरवाइज खटरे दा पावा एह वडा मायावा। एज ए मेल हमारी लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। एज ए मेल हम IT नहीं करना चाहते, लेकिन फैमिली के प्रेशर के ऊपर हम करते हैं। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बुक्स खोल के हमारे पढ़ने का दिल नहीं करता, लेकिन हम फिर भी पढ़ते हैं। और जब एग्जाम आते हैं हम एग्जाम देते हैं, और एग्जाम क्लियर ना करने के बाद वी आर लॉस्ट। 5 साल बर्बाद और हम किसी कॉल सेंटर के ऊपर जॉब कर रहे हैं। लेकिन इस मायावी दुनिया के अंदर कुछ मायावी ऐसे भी मिल जाएंगे तुम्हें, माँ बहन दिखा दिखा करके व्यूज और सब्सक्राइबर लेते ही जा रहे हैं, अटेंशन लेते ही जा रहे हैं, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ टैलेंट। रात ही रात ऐसे थोड़ी ये 5 लाख किले फतह करके गई। बड़े टोपे पे आसकर की पट्टी लगाकर इसके हाथ में दे दो, बड़े टैलेंट दिखा करके इतने फॉलोअर्स ले गई है ये। I have seen many good creators in my life जो बहुत hard work कर रहे हैं, लेकिन बीच में demotivate होकर अपना काम छोड़ रहे हैं। तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखो इस दुनिया के अंदर 7 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। तुम हमेशा अपना काम जो भी कर रहे हो करते रहो, उनमें से कम 1.5 से 2 लाख तो तुम्हारे पास आएंगे ही जो तुम्हें सुनना पसंद करेंगे, तो बस तुम लगे रहो। हमारे लोगों को इस चीज का ज्यादा इंटरेस्ट है दूसरों के घर के अंदर क्या चल रहा है उनको देखकर वैसा बनने की कोशिश करना, बट हर किसी की लाइफ और नेचर बिल्कुल भी वैसी नहीं होती। कीप इन माइंड, अगर सिर्फ आप अटेंशन के लिए अपनी ऑडियंस को धोखा दे रहे हो और रात के 3 बजे प्रैंक करने का सोच रहे हो, वो भी अपनी बहन के साथ, आपको तो आपका जमीर भी गालियां देगा। पर ये जमीर चोद है। हमेशा लाइफ में वो करो जिसे तुम्हें करने में मजा आए। टपटप करने वाली बात अगर किसी के जहन में आई है तो ब्रो आर यू कॉमेडी मी, गेट सम हेल्प। अब मैं एक फैक्ट की बात बता रहा हूँ, सिर्फ अकल रखने वालों को ही बात समझ में आएगी। ये लोटा आवाम के अटेंशन को बरकरार रखने के लिए बार बार लगातार नीनी की पीनी कर रहा है, और जितनी भी वहां है वो सारी नीनी के ऊपर स्टक है। एवरीवन क्यूरियस अबाउट हर सिस्टर एंड आल्सो हर फेस। इसको देख करके मक्खी भी अपने हाथ के ऊपर थूकने लगे। अब ये देखो पाकिस्तान के ट्रेंडिंग के ऊपर चल के रहे, अ गर्ल हू शेव्ड हर हेड बिकॉज़ शी वांटेड टू कॉल अ ट्रू फैन ऑफ अनदर ट्रेंड, और हर कोई इसकी ट्रेंड के ऊपर तीली रख के जला रहा है। बट आई एम द वन पैलेस की ट्रेंड के ऊपर नवरत नते लगाकर ठंडा करेंगे बाद में। द पॉइंट इज, ऐसी यूजलेस हरकत करने की वजह से ये लड़की वायरल हुई है, अदरवाइज ये फेमस काफी पहले होना चाह रही थी। शी आल्सो ट्राइड अ मुजरा ऑन मेरा दिल ये पुकारे आजा, लेकिन कोई नहीं गया, नॉट इवन फ्लाई। तेज गर्मियों में भी लड़कियां सोते हुए ऐसा कभी ख्वाब नहीं देखती जो उसने काम किया है। मर्द तो मर्द होता है, कंध जब पिया यही गया मरे, तेकू क्या सख्ती चाहती है, सोने वाल कटवाते अपनी गंदी टेंड गढ़ाई। ये फैक्ट है दिसंबर में कुत्तों को कुत्तियों की और इंसानों को शादियों की। और ये मोई ना तो फेस पी, इसके घर वालों को रोटी से तो नहीं लेकिन शैम्पू से बचत हो गई। उनको रोटी से बचत तब होगी जब कोई इस नाफरमान से शादी करेगा, और वैसे भी इसके टेंड की एक्सपीरियंस लग रहा है ये मोहतरमा जिसे भी शादी करेगी उसके भी सर के बाल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब कोई बालों वाला इसके साथ खड़ा होगा तो उसके टेंड को शर्म आएगी। अब नीचे ये कमेंट कोई ना करे कि भाई लड़कियों के बारे में बहुत गलत बातें की हैं। अरे भाई लता मंगेशकर और जस्टिन बीबर के चैनल पे नहीं आए हो तुम, ये रोस्टिंग चैनल है, हम रोस्टिंग करते हैं, और जिसके ऊपर रोस्टिंग करते हैं हमारे मुंह से निकली हर बात अगले के लिए बुलेट होती है। अपने माइंड के ऊपर किसी को फोकस या कंट्रोल करने मत दो, कंटेंट को एंजॉय करो, किसी की साइड मत लो। इन जैसी पापा की पड़ियों को उड़ना पसंद है और हमें उड़ाना, इनको प्रैंक करना पसंद है और हमें इनका प्रैंक देखकर हंसना, इसको अपनी बाजी दिखाना पसंद है और हमें देखना। फिर तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो। बी सेवेज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीक, मे बी टुमारो।